हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हो आप सब? मे भी आप सब बहुत अच्छी होंगी और घर पर होंगी। आज के ब्लॉग में मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आई थी छत पर कपड़े डालने के लिए, तो ये जो मेरा जो सूट है काफ़ी ज़्यादा हैवी है और वॉशिंग मशीन नहीं है, नहीं तो फिर देखो एक दो दिन में ये सूख पाएगा। तो चलिए मैंने सोचा आज का ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। सभी लोग देख रहे हैं छत पर, तो यहाँ से बात कर लेती हूँ। और ब्लॉग अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए तो मेक श्योर सब्सक्राइब करिएगा। और चलिए देखते हैं। तो गाइस, आप लोगों से बातें करने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा धूप ले लेती हूँ और वीडियो को पब्लिक कर देती हूँ। वीडियो मैंने अभी तक पब्लिक नहीं करी थी, तो मैंने सोचा वीडियो पब्लिक कर देती हूँ, क्योंकि वीडियो पब्लिक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है। डिस्क्रिप्शन डालना पड़ता है, कमेंट सेक्शन देख लेती हूँ, अगर ऑन कर देती हूँ उसके बाद एक जो फर्स्ट कमेंट आ जाता है उसका रिप्लाई भी कर देती हूँ, या फिर मैं ये देख लेती हूँ कि कल की वीडियो पर किस किस के कमेंट आए थे, तो मैं वो भी देख लेती हूँ। तो ऐसे ही मैं करती हूँ। और आप लोगों के प्यारे प्यारे जो कमेंट होते हैं उनको पढ़ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मतलब कि आप लोगों को क्या ही बताऊँ मैं, मतलब आप लोग समझ सकते हो, जो लोग यूट्यूबर होंगे उनके पास जो कमेंट आते हैं उसकी जो खुशी शायद कोई भी नहीं बता सकता। तो मैं भी वही, मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। देखिए, जो भी मैं आज हूँ हमेशा ही बोलती हूँ मैं आप लोगों के कारण, आप लोगों और भगवान के कारण ही हूँ। तो आप लोगों को जितना मैं थैंक यू बोलूँ भगवान को और आपको, मैं उतना ही मतलब थैंक यू है। और भगवान मुझे ऐसे ही कृपा बनाए रखिएगा। और यहाँ पर है ना अम्मा लेटी हुई है, ये है मकान मालकिन अम्मा, जो मतलब आप लोगों को पता ही है कि बाबा अम्मा रहते हैं, तो वही मेरे से बातें कर रही हैं और उनके जो कपड़े हैं वो भी सूख रहे हैं। पीछे रजाई मेरी टंगी हुई है इस तरीके से, तो मैंने सोचा थोड़े से पैर गर्म हो जाए फिर मैं नीचे जाऊंगी, मुझे खाना बनाना है, क्योंकि हम लोग नाश्ता करके ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि फिर शाम की जो धूप होती है ना वो मतलब ठंडी ठंडी सी होती है। और आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर धूप काफ़ी तेज़ निकली है, बट ऐसा कुछ नहीं है। देखिएगा अभी हवा कितनी ज़ोरों से चल रही है, आपको पेटीकोट दिख रहा होगा उड़ते हुए, तो हवा काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों से चल रही थी और धूप लग ही नहीं रही थी। मैं काफ़ी देर बैठी रही लेकिन धूप नहीं लगी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। आलू के पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आलू को मैश कर लिया है, उसके बाद बॉयल तो मैंने पहले ही कर लिए थे, तो फिर मैं यहाँ पर मैश कर ली हूँ अच्छी तरीके से। हाथ से कर लीजिए आप, या फिर आप मैसर का यूज़ कर लीजिए, मेरे पास मैसर भी है, लेकिन मुझे हाथ का यूज़ करना ज़्यादा अच्छा लगता है मैसर से, और इससे बहुत अच्छी तरह से मतलब मैश हो जाते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। या फिर आप फॉक का यूज़ भी कर सकते हो, फॉक से भी बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाते हैं। तो मैंने ज़्यादा यहाँ पर आलू बॉईल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा आलू थे नहीं, हस्बैंड से बोला है लाने को, तो वो लेके आएंगे, तो फिर मैं आप लोगों को बताया मतलब कि दिखा दूँगी क्या आप लोगों से क्या छुपा है, क्योंकि डेली जो ब्लॉगिंग करता है उस वो मतलब सब कुछ दिख जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि ब्लॉगिंग करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमें ना हमारा पूरा घर दिख जाता है। और कोई भी कंटेंट बनाएंगे तो हम लोग है ना एक जगह बैठकर स्क्रिप्ट लिखकर बनाते हैं, लेकिन ब्लॉगिंग में कोई भी स्क्रिप्ट नहीं होती, नेचुरल होता है सब कुछ। बेशक बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश की, बचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी नहीं बच पाती हैं, आप लोग जानते ही हो, क्योंकि इंसान है ना बाल की खाल निकालना शुरू कर देता है, इसलिए तो बहुत चीज़ हम लोग बचाने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा होता है कि नहीं बच पाती हैं। तो बस मैं आपसे इतना ही बोलूँगी कि प्लीज़ जितने भी व्लॉगर हैं उन सबको ही आप लोग सपोर्ट करिए। और यहाँ पर देखिए मैंने आलू मैश कर लिए, तो उसके बाद मैंने यहाँ पर हरी मिर्च डाली है, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, और लाल मिर्च पाउडर डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है। उसके बाद मैं छोटी छोटी हरी मिर्च यहाँ पर काट लूँगी। बहुत सारे लोग इस आलू में ना प्याज को डालते हैं, तो आप प्याज भी डाल सकते हो। बहुत सारे जो लोग होते हैं वो कढ़ाई में ऑयल डालकर फिर इनको मत कर फिर पराठे बनाते हैं। सबका बनाने बनाने का तरीका अलग होता है, मेरा अलग है, मुझे वो कढ़ाई वाले नहीं पसंद आते, उसमें ऑयल डल जाता है, फिर पराठे थोड़े चिपचिपे से आ जाते हैं, वो मुझे नहीं पसंद आते, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग इस तरीके से भी मतलब कर सकते हैं। वैसे मोस्टली ऐसे भी बनते होंगे बहुत सारे लोगों के, मेरे यहाँ पर ऐसे नहीं बनते, ऐसे ही बनते हैं। और यहाँ पर लाइट चली गई थी, ऐसा ही होता है जब मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ तो लाइट को तो जाना ही होता है।
और इसके बाद फिर मैं फ़ोन की लाइट जला के वीडियो बनाती हूँ, तो मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है वीडियो बनाना, बट फिर भी मैं करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके मुझे वीडियो बताइए कैसी लगी वीडियो। तो ऐसा ही है, तो यहाँ पर देखिए मेरे आलू अच्छी तरह से मैश हो, मतलब मैश करके मैंने सारे मसाले यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। अब मैं थोड़े से धनिया कट कर रही थी, तो मैंने धनिया कट कर लिए हैं, मैं इसमें धनिया डाल दूँगी। और ये देखिए मैंने धनिया काट के धो लिए हैं अच्छी तरीके से, उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर दे रही हूँ। और थोड़े से धनिया उसी में रह गए क्योंकि थोड़े से तो रह ही जाते हैं। तो अब और वो कटोरी को मैं धो के रख दूँगी या फिर बाद में मैं यूज़ कर लूँगी दही वगैरह के लिए। तो आलू के पराठे बनाने, सर्दियों में आलू के पराठे, मेथी के पराठे, बथुआ, ये सब पराठे बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और खाने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो इस तरीके से तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बनाने में। तो यहाँ पर मेरे आलू के पराठे बन गए हैं, उसके बाद मैं यहाँ पर खाऊंगी आलू के पराठे, रायता और ये सब जो भी चीज़ें होती हैं। आलू के पराठे के साथ अचार खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आता है। सर्दियों में गरम गरम खाने में तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन उसके बाद जो काम हो जाता है ना, काम जो हम करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जो हो जाता है, मतलब उसका काम बहुत सारा हो जाता है बस। और बर्तन मांजने में बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, खाने में जितना अच्छा लगता है उतना बर्तन मांजने में अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मेरे जो आलू के पराठे बनना रेडी हो गए, दियो के लिए मैं छोटे छोटे बना रही थी। और मैं काफ़ी ज़्यादा आलू भरती हूँ, मतलब मुझे ना आलू आलू मतलब पराठे में आलू आलू ज़्यादा पसंद है, वो कम पैसा। दीयू के लिए मैं छोटा सा पराठा बना रही थी जल्दी जल्दी में, लेट भी हो रही थी, दीयू को भूख लग रही थी, इसीलिए फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। खाना वाना खाने के बाद आप लोगों के कमेंट देखती हूँ कि आप लोगों ने प्यारे प्यारे कमेंट क्या करे। और कल के मेरे वीडियो पे इतना गंदा कमेंट आया कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये कमेंट था उनका कि जब भी साड़ी पहनती हो तो नई दवेली दुल्हन वाले टाइटल डाल दी। तो मैं आपको बताऊँ, एक फीलिंग सी आ जाती है। मैं साड़ी बहुत ही ज़्यादा कम पहनती हूँ, आप लोगों को भी पता है, लेकिन जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ वाकई में वो दुल्हन वाली फीलिंग नहीं आती। जैसे दुल्हन बन के जब आते हैं तो पल्ला करते हैं और साड़ी पहनते हैं, चूड़ी पहनते हैं, पूरा श्रृंगार करते हैं। आप लोगों को पता है कि मैं बहुत ज़्यादा कम श्रृंगार करती हूँ, तो वो फीलिंग आ जाती है। पता नहीं अपने आपको क्या समझती है, अपनी शक्ल तो देखो बहन भाई जो भी थे, मैं बस उनसे इतना बोलूँगी मेरी शक्ल जैसी भी है मैं उस पर खुश हूँ। आप अपना देखिए, दूसरों की शक्ल पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आप अपनी फैमिली पर, अपनी शक्ल पर ध्यान दीजिए। मेरी शक्ल जैसी है मैं उसमें खुश हूँ, और इंसान को उतने में खुश भी रहना चाहिए। तो इसीलिए तो चलिए आप लोगों से कुछ बातें कर लेती हूँ मैं अब। एवरीवन एंड गुड इवनिंग। और अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और अभी हम लोग सोकर उठे हैं। और यहाँ पर क्या है, दियो की ना तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही है ना। दियो बताना क्या हो गया बाबू आपको? उल्टी आ रही है आपको? इसको पता नहीं क्या हो गया, उल्टियाँ आ रही हैं आज, नजर लग गई है इसको। है पता क्या, छत पर ये खेल रही थी। क्या खेल रही थी? किचन से खेल रही थी। इसमें तीन गैस है, बहुत सारी प्लेट है, तो खेल रही थी। फिर उन्होंने आलू के पराठे खाए है ना? नहीं, आलू के पराठे खाए नहीं। ओहो, तभी। और इसका जो सिरप है ना वो रह गया है मेरी मम्मी के, जो मैं इसके लिए इसको सर्दी का सिरप था वो, तो मैं अभी इसके जो बाम है वो विक्स वेपोरा वो लगा दूंगी। और इसके बाद फ्रूटी से सही हो जाऊंगी एक दिन में। फ्रूटी से सर्दी लग जाएगी, ऊपर से जाएंगी। अभी गर्मियां नहीं है, गर्मियों में पीते हैं ठंडी चीज ताकि पेट में ठंडक जाए और आपको ठंड, आपकी तबीयत सही हो जाए। बटन और मुझे वीडियो भी शूट करनी थी, वो भी मैं नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मैं समझ में नहीं आ रहा, दियो की तबीयत सही नहीं है तो मैं कहाँ शूट करूँ। आप लोगों को पता है जगह नहीं है इतनी कि कहीं पर भी मैं शूट कर लूँ। तो ऐसा है, अभी देखती हूँ कहाँ शूट करती हूँ वीडियो को। और इसके बाद मैं आंगन में कर लो, आंगन में नहीं यहाँ पर करती हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड नहीं है ना मेरे पास शूट करने के लिए ज्यादा, इसीलिए यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। हाँ बेटू, चौक खा लेते तभी हो रहा है। चौक नहीं खाना अब है, उसे थोड़े बहुत तबीयत सही है, बाकी मैंने वो खाए थे ना मखाने, इसलिए।
तो आप लोग प्रे करिएगा कि दियू की तबीयत सही हो जाए। और अभी सही नहीं है दियू की तबीयत, क्योंकि उसको ना उल्टियाँ आ रही हैं, मतलब काफ़ी ज़ोरों से। हाँ अब वो कब लाओगे सैंडविच स्टैंड? हाँ। अभी पैसे इकट्ठे कर लेते। अब दिया सैंडविच स्टैंड की कह रही है, वो गैस वाला आता है ना, वो जो गैस पर रख के बनाई जाती है वो, तो अभी पैसे नहीं है, तो पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं लेकर आऊंगी। पाई कूती पाई है जी, कूती पाई, कूती पाई। सही सही ना, मैंने एक कॉपी का छोटी काम हो गया। आदिया ट्यूशन नहीं गई है क्योंकि दियू की तबीयत सही नहीं है, तो कल संडे है, कल नहीं जाएगी। और इसके बाद देखो मंडे को जाती है, तब तक उसकी तबीयत भी सही हो जाएगी। तो आप लोगों को पता है मैंने आलू के पराठे बनाए थे, वो आलू के पराठे रखे हुए हैं तीन। नहीं है मंडे को तो जाओगे, चाहे तबीयत खराब हो चाहे सही हो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताऊँ, आलू के पराठे रखे हुए हैं तीन, तो वही खाएंगे अभी हम। और अम्मा थोड़ा सा टेंशन में है, थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया उनका, कोई फैमिली प्रॉब्लम है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तो आज वो मेरे रूम में अभी नहीं आई है, नहीं तो वो टीवी देखने आती है। टेंशन की वजह से वो कमरे में ही लेटी हैं, और वही चीज़ें आप लोगों को पता है ना, वही चीज़ें घूमती हैं कुछ ना कुछ। और एक चीज़ और मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ कि कहते ना चिंता चिता के समान होती है, तो वही है उनके दिमाग में। क्या मेरे भी दिमाग में बहुत सारी बातें घूमती रहती हैं। पानी पी लूँ? अच्छा, मुझे सर्दियों में पानी पीने में बहुत अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कुछ लोगों को ठंडा ठंडा पानी पीने का मन नहीं करता है, बट मुझे ठंडा ठंडा पानी पीने का बहुत ज़्यादा मन करता है। अभी मेरे यहाँ गुड़ नहीं आया है, राशन का पर्चा बनाना है, गुड़ आ जाए ना तो क्या है ना, गुड़ से जो पराठे वगैरह हैं वो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो दलिया मंगाएंगे है ना, तो मैं पर्चा बनाऊंगी, इसमें दलिया वगैरह सारा ही राशन लिखूंगी। मेरे हस्बैंड है ना, सब कुछ लिखूंगी। मेरे हस्बैंड है ना, वो आधा ही सामान लाते हैं, इसलिए बहुत गुस्सा आती है। जिंदगी है, जिंदगी में सुख दुख आते रहेंगे और यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। भगवान ने अगर जन्म दिया है तो खुशी भी देंगे और खुशी हमें मिलेगी। तो चलिए आज मैं ये ब्लॉग यहीं पर एंड कर देती हूँ। ब्लॉग अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को एंड सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं भी आगे बढ़ूँ और आप लोग के लिए कुछ करूँ। तो चलिए।